दिल्ली में मोदी लहर के भरोसे पार हो सकती है बीजेपी की नाव। इंडिया टुडे ग्रुप सिस्रो सर्वे में 34 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। आपको मिल सकती हैं 25 से 31 सीटें। 5 के अंदर से बढ़ सकती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री के दावेदारों में सर्वे में केजरीवाल ने मारी बाजी। 35% अरविंद को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली में अब तक के मुख्यमंत्री की रेस में केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ा। 37% ने शीला, सुषमा और साहेब सिंह वर्मा से रखा आगे। इंडिया टुडे सिस्रो ओपिनियन पोल में ज्यादातर ने माना आम आदमी पार्टी को ईमानदार पार्टी। 70% ने कांग्रेस को कहा भ्रष्ट। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी ने जीता दिल्ली का दिल। 44% की राय में बीजेपी ही काबू कर सकती है महंगाई। आज जेल से रिहा हो जाएगा मुंबई हमले का गुनहगार जकीउर रहमान लखवी। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने कल दी थी जमानत। पाक सरकार ने कहा लाहौर हाईकोर्ट में बेल को देंगे चुनौती। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को जमानत पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। गृह मंत्री ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेश मंत्रालय ने कहा 99% सबूत पाकिस्तान के पास। यह उम्मीद करता हूं पाकिस्तान की सरकार से कि इसकी अपील अपर कोर्ट में की जाएगी ताकि जकीउर रहमान लखवी की बेल को कैंसिल कराया जा सके। लखवी को जमानत की खबर से मुंबई हमले के पीड़ित हैरान। पाकिस्तान के रवैये पर जताई निराशा। सरकारी वकील उज्ज्वल निगम ने कहा इंसाफ की कोशिश को लगा झटका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत नासाज। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सुबह 11 बजे जारी होगा मेडिकल बुलेटिन। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेहत में लगातार सुधार की खबर। 3 दिन पहले इलाज के लिए आई थी अस्पताल। पीएम नरेंद्र मोदी को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की नसीहत। कहा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की जगह 1-to-1 मिले मोदी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 महीने के लिए बड़ी जमानत। दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली। कहा उनकी सरकार के जाते ही राजधानी में बड़ा भ्रष्टाचार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई क्या भाई साहब? ये पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे। दिल्ली के मधु विहार की नुक्कड़ सभा में साध्वी निरंजन ज्योति ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बच्चों की कसम खाने के बावजूद समर्थन की सरकार बनाने का आरोप। मंच से सुनाए भजन। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का गुस्सा बेकाबू। अल्पसंख्यक अधिकार मंच के कार्यक्रम में मदरसा टीचर कर रहे थे हंगामा। राजस्थान के कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजल के गाली गलौज के बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आरएन यादव का इस्तीफा। सीएमएचओ की सुरक्षा बढ़ाई गई। विधायक पर धमकाने का आरोप। सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नसबंदी कांड, नकली दवाओं और नक्सली घटनाओं की वजह से विपक्ष के निशाने पर थी सरकार। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर मोदी के हुए मुरीद। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ की। आदिवासी बच्चों को गुजरात सरकार का तोहफा। शुरू की दुग्ध संजीवनी योजना। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य केंद्र से मांगा जवाब। 4 हफ्ते का दिया वक्त। शरद पवार को सर्जरी के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरने से लग गई थी चोट।
मुंबई में प्राइवेट टैक्सी चालकों को 25 जनवरी तक करने होंगे सुरक्षा के पूरे उपाय। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टैक्सी ऑपरेटर्स की बैठक में फैसला। टैक्सियों में लगाने होंगे पैनिक बटन, इमरजेंसी के दौरान मदद के लिए मुसाफिर कर सकेंगे बटन का इस्तेमाल। पूर्व एनसीपी के नेता छगन भुजबल पर लगे घूसखोरी के आरोपों की जांच के लिए बनाई जाएगी एसआईटी। हाईकोर्ट का निर्देश। फिर जागा अमिताभ बच्चन का यूपी प्रेम। लखनऊ के काकोरी इलाके में मुजफ्फरनगर गांव में 9 बीघा जमीन खरीदी। ट्रक से कुचलकर दिल्ली के भलसुआ डेयरी थाने में तैनात एसआई हजारीलाल की मौत। अलीपुर इलाके में NH1 पर हादसा। एसआई की बाइक को ट्रक ने मारी थी टक्कर। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 25 में स्पाइस मॉल के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। बच्ची की हालत गंभीर। वाराणसी से सिगरा में घर में युवती के जिंदा जलने से हड़कंप। मां ने छेड़खानी करने वाले लड़कों पर लगाया आरोप। हादसे में 75% जल गई लड़की। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में ट्रांसपोर्टर के घर डकैती। 6 हथियारबंद बदमाशों ने 7.5 लाख के नकदी समेत 30 लाख रुपए के जेवरात और कीमती सामान लूटा। यूपी के जालौन में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन ट्रकों में लगा दिया आग। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली NCR।